अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम इस पीपीटी के जरिए इसमें आम और इसमें खास किसे कहते हैं ये जानेंगे। इसमें आम और इसमें खास ये जानने से पहले हम देखते हैं कि इस्म किसको कहते हैं। किसी भी चीज, शख्स, जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी, औरत, खादमा, खातून वगैरह शख्स हैं, है ना। और झुमके, जेवरात, खाना, पानी, रुपया वगैरह चीज़ें हैं। और स्कूल, मकान, देश, अमेरिका, बाग वगैरह ये जगह है। सही कहा ना बच्चों, तो इसे हम इस्म कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसमें आम किसे कहते हैं। अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान नहीं होती है तो इसे इसमें आम कहते हैं। मिसाल के तौर पर शायर, अदी, आदमी, औरत, खादमा, खातून वगैरह, किताब, झुमके, जेवरात, खाना, पानी, रुपया, स्कूल, मकान, देश, मस्जिद, घर, अमेरिका, बाग वगैरह। इसमें आम की हम एक मिसाल देखते हैं। जैसे लड़का स्कूल जा रहा है, लड़का और स्कूल दोनों इसमें आम हैं। क्यों इसमें आम है? क्योंकि यहाँ पे ना ही लड़का का नाम दिया गया है ना ही स्कूल का, तो ये क्या होंगे? इसमें आम। अभी हम देखते हैं इसमें खास क्या है। जैसे आप इसका नाम सुन रहे हो, इसमें खास, आपको खास से पता चल रहा होगा कि ये इसमें खास चीज़ों का जिक्र हो, ठीक है। तो हम इसकी ये देखते हैं कि अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज़ या खास जगह की पहचान होती हो तो उसे इसमें खास कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें खास उसे कहते हैं जिससे कोई भी खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान होती है। मिसाल के तौर पर ज़ैनब, अल्लामा इकबाल, आबिद वगैरह, कोहिनूर, कुरान, बाइबल वगैरह, ताजमहल, दिल्ली, मुंबई वगैरह, ये जगहों के नाम हैं, ठीक है। और इसकी जो मिसाल होंगी वो हम देखेंगे कि शाहीन अंजुमन स्कूल जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे जो है लड़की का नाम दिया गया है शाहीन, तो इससे लड़की की पहचान होती है। जैसे कि शाहीन लड़की है तो ये इसमें खास होगा। और अंजुमन स्कूल जा रही है, स्कूल का इधर नाम भी दिया गया है अंजुमन, तो यहाँ पे शाहीन अंजुमन स्कूल दोनों इसमें खास है। शाहीन और अंजुमन स्कूल दोनों इसमें खास है, ठीक है बच्चों। इसमें आम और इसमें खास किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया? ओके, शुक्रिया।